हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेके आ चुका है एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क द एंड ऑफ द वर्ल्ड का गाइस। तो गाइस, आर्क द एंड ऑफ द वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने काफी ज्यादा अलग अलग चीजें जो है ना गाइस वो यहाँ पे बना ली थी, और हर एक चीज का यूज जो है ना गाइस समझने में को काफी ज्यादा टाइम लगा। बट फाइनली मैं जो ना गाइस यहाँ पे ये मॉड लगभग 10-20% कैसे वर्क करता है ना गाइस ये मैं समझ चुका हूँ। और अभी आज के इस एपिसोड में मैं काफी ज्यादा ओपी और किधर नेक वाली चीजें बनाने वाला हूँ। लेकिन गाइस, आज का एपिसोड यहाँ पे शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे और चैनल पे फटाफट गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है और हमको काफी मोटिवेट करता है इसी खतरनाक ओपी वीडियो बनाने के लिए। तो जरूर से गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चले भाई लोग, कतरों से भरा हुआ हमारा जो एडवेंचर है आज का वो शुरू करते बिना किसी देरी के। एंड अभी फिलहाल के लिए जो ना गाइस मैं यहाँ पे भाई एप्पल और भाई ऑरेंज नहीं नींबू के ट्री से जो ना गाइस यहाँ पे नींबू और एप्पल जो ना गाइस वो निकाल रहा हूँ, क्योंकि आज तुम्हारा भाई करने वाला है फुल टू फार्मिंग ना मेरे भाई। यस गाइस, अपन आज करने वाले फार्मिंग। ये क्या है, यील्ड 10 टाइम। अरे ये क्या मिल रहा है मेरे को, यूज टू फर्टिलाइजर क्रॉप यील्ड 10 टाइम एट द मेजर एज वेनल फर्टिलाइजर। हाँ तो भाई फिर यहाँ पे सीडिंग, एजिमबेरी सीडिंग। अच्छा तो ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे सीडिंग ही चल रहा है अभी तक क्या इनका? अभी तो अभी तक सीडिंग ही चल रहा है गाइस यहाँ पे इनका। डिपॉजिट नाइट्रो फर्टिलाइजर, हाँ ये ले भाई फर्टिलाइजर डाल दिया भाई। यहाँ पे तो सीडिंग ही चल रहा है इन लोग आज में जो ना गाइस एकदम खतरनाक वाली जो ना गाइस फार्मिंग करने वाला है यहाँ पे। बट यहाँ पे तो भाई मेरे को क्यों नाइट्रो मिल रहा है, पोकेट में नाइट्रो मिल रहा है गाइस, देख रहे हो ये नाइट्रो का यूज़ भाई कुछ ना कुछ होगा आगे जाके, मैं जमा करके रख देता हूँ मेरे पास गाइस, ठीक है। बाद में यहाँ पे जो ना गाइस रुक जाओ, मैं सीड अपने नॉर्मल वाले में नहीं डाल सकता क्या? क्रॉप ग्रोथ स्पीड तो मैंने काफ़ी ज़्यादा तगड़ी वाली रखी थी, बट यहाँ पे सीडिंग ही ना हो रहा है गाइस, ये देख रहे हो सीडिंग ही चल रहा है। एक क्रॉप लोड नॉर्मल वाला बना भाई, क्रॉप लोड नॉर्मल चल जाएगा क्या? मेरे हिसाब से बन जाना तो चाहिए, काम तो बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इससे देख लेते चलो कि यहाँ पे क्रॉप लोड नॉर्मल जो ना गाइस उससे काम बनता है कि नहीं गाइस। यहाँ पे क्रॉप लोड लगा एंड इसके अंदर डाल दे भाई एक काम कर, इधर डिपॉजिट क्यू नाइट्रो, ठीक है। फर्टिलाइजर कितना हो चुका है, 5 लाख फर्टिलाइजर नॉट सीडेड। पानी पीने का जुगाड़ कर लूँगा, पानी की टेंशन नहीं है। सीड मैंने एक भाई पिछले एपिसोड में बनाई थी वो यहाँ पे लगा के देख लेता हूँ। अच्छा एक काम कर, सीड नहीं है मेरे पास, सीड बना इधर, सीड बना एकदम मीट की सीड भी है, रॉ मटन सीड। बाप रे भाई 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 क्या क्या है यार, ये क्या क्या सीड देखने को मिल रही है मेरे को, ठीक है। मेरे को नाइट्रो नहीं करना है, मेरे को ये डालना है इसके अंदर क्या, सीडेड एंड पानी चाहिए तो बता मेरे को। पानी में लेके आता ना वाटर, वो बना पानी डाल दूंगा, भाई पानी की कमी नहीं है गाइस, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा पानी भर के लेके आऊँगा और यहाँ पर डाल दूंगा इसके अंदर, ठीक है। सीडेड तो हो चुका है भाई, एंड ये तो भाई अभी तक स्टिल सीडिंग ही चल रहा है गाइस यहाँ पे, पता नहीं क्यों। एक नाइट्रो डाल देता हूँ एक इसके अंदर, ड्रिंक वाटर नहीं करना रे बाबा, इसके अंदर पानी भर भर के, पानी भर के दे देना बाबा, ठीक है। चलो यहाँ से पानी उठालेंगे और इधर डाल देंगे गाइस, ठीक है, इसके अंदर डाल देंगे लाइक दिस। पानी ये ले, पानी भी आ गया है। अभी सीडिंग हो चल रही है क्या, सीडेड और स्ट्रिमबेरी सीड। हाँ क्यों स्ट्रिमबेरी सीड, काय का क्यों स्ट्रिमबेरी सीड है? अच्छा स्ट्रिमबेरी सीड थे क्या, मेरे को पता नहीं गाइस कौन सी सीड थी, बट सीडिंग चल रही है अभी तक स्टिल। ग्रीन हाउस इफेक्ट की जरूरत तो नहीं है ना मेरे हिसाब से, लग तो नहीं रहा। फर्टिलाइजर यूज़ हो रहा है क्या, पता नहीं चल रहा गाइस कि ये सीड जो है ना गाइस जो सीडिंग पे जाके क्यों अटक रही है, हैं भाई सीडिंग पे जाके क्यों अटक रही है, सीडिंग ही चल रहा है अभी तक स्टिल, पता नहीं क्यों गाइस। क्या इनको भाई इतना क्रॉपलॉट यही है क्या, दूसरे किसी में डालना है मेरे को, ये वाला है भाई लार्ज स्टोन क्रॉपलॉट मेड आउट ऑफ स्टोन एक्स 3 द ग्रीन हाउस पोटेंशियल इफेक्ट एंड नेवर रिक्वायर वाटर और फर्टिलाइजर। ओके ये काफ़ी अच्छा है, ऑसम क्रॉपलॉट, ठीक है मानता हूँ काफ़ी अच्छा है। बट यहाँ पे सीडिंग क्यों नहीं हो रही है, दोनों में सीडिंग नहीं हो रही है, गेम ग्लिच है क्या गाइस? मेरे को आज फार्मिंग करनी एकदम तगड़ी वाली है, बट मेरे को लग रहा है कि गेम ग्लिच हो चुका है या फिर कुछ तो सीन हो गया है गाइज। मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ, देखता है सीडिंग होती है कि नहीं गाइज, ठीक है। वेट अ मिनट, 3 days later। ये तो कुछ तो भाई अलग ही भाई सीन चल रहा है गाइज, यहाँ पे सीडिंग जो है ना गाइज वो हुई नहीं रही है। मैंने काफी ज्यादा टाइम तक इंतजार करा
बट यहाँ पे सीडिंग जो ना गाइस वो हो ही नहीं रही है। मैंने काफी ज्यादा इंतजार करा यार, यहाँ पे सीड तो मेरे को मैक्सिमम सारी की सारी मिल चुकी है। देखो गाइस एलिमेंट की सीड भी है, बताओ एलिमेंट की सीड भी है। बस इसके लिए इन्फर्नल विन्फर्नल कुछ बॉल चाहिए। देखो भाई ये वाली सीड भी है, ये तो बन जाएगा गाइस, ये वाला ये तो हो ही जाएगा। ये सीड है ना गाइस, ये सीड है क्या, सीड है क्या, वीट सीड है भाई। ठीक है वीट सीड डाल दे गाइस, कहीं कहीं कोपचे वाड़े में जाके डाल देता हूँ। नॉट सीडेड ये ले बेटा, अभी यहाँ पे ये डाल दे एंड सीडेड, ये फर्टिलाइजर डाल दिया मैंने सीडेड। अभी सीडिंग हो जाए, सीडिंग हो जाए, अच्छा सीडिंग वीट सीड सीडिंग चल रही है गाइस। ठीक है एंड उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सीडिंग जो है ना गाइस वो कम्प्लीट हो एंड ये वाले बस ग्लिच हो। नहीं यार ये भी सीडिंग ही चल रही है अभी तक गाइस। कुछ तो मैं एक बार ना गाइस गेम रिस्टार्ट मार के देख लेता हूँ, मे बी गेम का कोई लोचा हो सकता है, क्योंकि जब तक जो है ना गाइस यहाँ पे वो नहीं होता ना गाइस, सीडिंग नहीं होता ना, तब तक अपन कुछ कर नहीं सकते। ग्रीन हाउस इफेक्ट की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, या फिर ग्रीन हाउस बनाने के बाद ही गाइस ये सारी चीज़ें वर्क करेगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट की मेरे हिसाब से तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए गाइस इसके लिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट इंटू थ्री बोल रहे थे, एक्स थ्री द ग्रीन हाउस इज अ पोटेंशियल इफेक्ट एंड नेवर रिक्वायर एंड स्टोन द ग्रीन हाउस पोटेंशियल इफेक्ट एंड ओके। ठीक है भाई पता नहीं यार ये सीडिंग पैड कहाँ आ गया, इसमें गेम ना रिस्टार्ट कर लेता हूँ उसके बाद देखता हूँ कि क्या सीन हो रहा है गाइस। ठीक है वेट अ मिनट, एंड गेम रिस्टार्ट करने के बाद भी ये सीडिंग पैड का होगा तो भाई मेरे को बताने का इसमें क्या करूँगा, क्योंकि जब तक ये भाई सीडी मतलब मैं यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं करता ना तब तक मैं आगे का काम नहीं कर पाऊँगा, फिर तो खत्म ही हो जाएगा गाइस पूरा का पूरा अपना गेम ही। लहसन का सीढ़ी भी भाई ये देख रहे हो, लहसन का सीढ़ी भी है यार यहाँ पे। अरे यार सीडिंग पैड का भाई रुक जाओ। तो गाइस मैंने गेम जो ना गाइस वो रिस्टार्ट कर दिया और गेम रिस्टार्ट के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी ना एक प्रॉब्लम हो चुकी है एक्चुअली। मैं यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें ऐड करी थी ना गाइस उसमें से कुछ चीज़ें गायब हो चुकी है। ये जो ना गाइस पिछली बार भी मेरे साथ गाइस यहाँ पे हुआ था, सीन क्या होता है पता है क्या गाइस, ये देखो गाइस यहाँ पे क्रॉप लॉट के अंदर, हाँ भाई अपना जो प्रॉब्लम था गाइस वो सॉल्व हो चुका है। इसको मैं निकाल लेता हूँ, ये किसी काम का नहीं है, इसको मैं पिकअप कर लेता हूँ भाई। ठीक है ये किसी काम का नहीं, इसको यहाँ पे पिकअप कर लेता हूँ एंड मैं आपको बता, इसके अंदर स्ट्रॉबेरी भी बन गई। वाह भाई ये देखो, ये देख रहा हो इसके अंदर सारी की सारी जो भाई चीज़ें ना गाइस वो बनना चालू हो जाएगी भाई। ठीक है मेरे को इसको पिकअप करने दो भाई। ठीक है एंड इसका क्या, इसका इसके अंदर भाई स्ट्रॉबेरी बिबेरी बन रही है, काफ़ी अच्छी बात है। लेट्स गो आ जाओ, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो चीज़ें ना गाइस। यहाँ पे आपको बताया होगा कि बीवर का मैंने घर बना रखा था, वो घर जो ना गाइस स्टिल यहाँ पे लेकिन मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। ये जो ना गाइस एक तरह का ग्लीच है गाइस। ठीक है और उसी तरह से सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे होने वाले पता है अपन को, रुको मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले ये उठा ले भाई। ठीक है यहाँ पे ये पता नहीं क्या चीज़ है भाई, इसके अंदर क्या है, अच्छा इसके अंदर तो अपन ने सामान डाल रखा था। यहाँ पे जो भी ट्रीज मैंने लगा रखे हैं ना गाइस, जो सारे ट्रीज जो है ना गाइस वो हो चुके हैं स्वाहा गाइस। ठीक है सारे ट्रीज जो है ना गाइस वो गायब हो चुके हैं एंड मेरे को जो ना गाइस उसमें से एक भी ट्री जो है ना गाइस अभी के लिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है गाइस। ठीक है और मैं सारे ट्री जो है ना गाइस एक एक करके तोड़े जा रहा हूँ, ताकि मतलब मैं सिंगल प्लेयर में खेल रहा हूँ ना तो उस रीजन से मैं भी ये दिक्कत हो रही होगी, अगर मैं सर्वर में खेल रहा ना तो मेरे को इस दिक्कत का सामना यहाँ पे करना नहीं पड़ता गाइस। ठीक है चलो मैं सारे के सारे जो यहाँ पे ट्री देना गाइस उम्मीद कर रहा हूँ कि टूट जाए और एक भी ट्री जो ना गाइस वो यहाँ पे रहे ना गाइस। और मैं जो ना गाइस मतलब जब भी सर्वर में आऊँगा ना वीडियो बनाने के लिए तब मेरे को वापस से बार बार से जो ना गाइस यहाँ पे ट्री लगाने पड़ेंगे हर बार, और कुछ नहीं करना है बस यहाँ पे जो ना गाइस ट्री लगा देने गाइस। और कहाँ कहाँ पे ट्री लगाए थे यार अपन ने गाइस, यहाँ पे एक ट्री है शायद, हाँ ये रहा एक और ट्री एंड यहाँ पे दो दो ट्री लग रहा है गाइज। हाँ गाइज ये देख रहा हूँ ये सारी ट्री मेरे को तोड़ने पड़ेगी, थोड़ा सा मॉड जो ना गाइज ये ग्लीच है गाइज। ठीक है सिंगल प्लेयर के लिए मे भी मेरे को पता नहीं सर्वर में अगर मैं इसको लगाऊंगा तो क्या होगा, बट सिंगल प्लेयर के तो भाई काफ़ी ज़्यादा ग्लीच है भाई। ये तोड़ दे भाई एरवी को एंड एरवी को भाई एंड और कुछ यहाँ पे है कुछ तो, ये रहा गाइज ये रहा एक और हमारा भाई। ठीक है एंड और कुछ यहाँ पे जब अपन अटक जाएंगे या फिर एक्सिस इन्वेंटरी लिख के आएगा ना, हाँ लाइक दिस तो समझ लेने का, यहाँ पे एक पेड़ लगा रखा है अपन ने। ठीक है मैं जो ना गाइस ये प्रॉब्लम से छुटकारा लेने के लिए यहाँ पे फाउंडेशन लगा के हर एक फाउंडेशन के ऊपर एक एक ट्री लगा दूंगा, ताकि मैं डायरेक्टली फाउंडेशन उड़ा के जो ना सारे के सारे ट्रीज को उड़ा सकूँ गाइस। ठीक है वो मेरे को इनग्राम अनलॉक करने पड़ेंगे, रुक जाओ मैं इनग्राम अनलॉक कर लेता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अभी हम खेती बाड़ी जो ना गाइस वो बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मेरे को इनग्राम अनलॉक करने भाई रुको। इनग्राम गाइस यहाँ पे अनलॉक हो चुके हैं और तुम्हारा भाई जो है ना गाइस वो ओवरवेट भी कुछ ज़्यादा ही हो चुका है गाइस। ठीक है देख रहे हो भाई साहब इतने ज़्यादा एप्पल चप्पल भाई इकट्ठा करे मैंने क्या बताओ। अभी जो ना गाइस मेरे को एक क्रॉप लोड जो ना गाइस पिकअप करने, तो पिकअप क्यों क्रॉप लोड, इसके अंदर का सामान उठा ले पिकअप कर ले। क्रॉप लोड के लिए जो ना गाइस मैं अलग जगह जो ना गाइस वो यहाँ पे बनाना चाहता हूँ पिकअप, और यहाँ पे मैं हर एक तरह का जो ना गाइस एक एक ही लगाऊंगा गाइस। ठीक है अरे यार पिकअप एक एक ही जो ना गाइस वही लगाऊंगा मैं क्रॉप लोड में जो है ना गाइस, लगभग मेरे को भाई 10-12 चीज़ें जो है ना गाइस वो यहाँ पे ऐड करनी है,
तो हर एक चीज़ का मैं एक एक क्रॉप लोड लगा दूंगा। हाँ मेरे को पता है उसको उगने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन कोई सीन नहीं है गाइस। ठीक है चलो आ जाओ। क्रॉप लोड जो ना गाइस वो कहाँ पे लगा देते हैं, ये वाली जगह जो ना गाइस वो खाली हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे पहले इस पत्थर शत्थर को तोड़ देते हैं एंड क्रॉप लोड जो ना गाइस वो यहाँ पे लगा डाल दे गाइस। ठीक है इससे हमको फर्टिलाइजर जो है ना गाइस वो काफ़ी तगड़ा वाला मिलने वाला है। बस यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ओवर वेट हो चुका हूँ मैं, क्रॉप लोड और भी ज़्यादा बनाने के लिए डालने पड़ेंगे मेरे को। अगर हो सका तो दो दो लगा दूँ क्या, क्रॉप लोड बन जाएगा क्या? लेकिन बताओ मेरे को क्रॉप लोड बनेंगे तो मैं भाई दो दो लगाने के लिए रेडी हो। व्हाट द हेल कॉपर, यार कॉपर और की ज़रूरत है यार, और कॉपर का आई थिंक मेरे को मेरे हिसाब से अभी नहीं मिल सकता क्योंकि मेरे पास मेटल नहीं होगा उतना ज़्यादा। मेटल है शायद, मेटल मेरे पास पड़ा हुआ है 5000, 500 और मेटल ले ले भाई, पूरा कंगाल कर ले मेरे को, चल पूरा कंगाल कर ले। क्रॉप लोड की जरूरत पड़ेगी गाइस। ठीक है मैं एक एक ही लगा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, अपने पास जो ना गाइस मटेरियल नहीं तो अपन एक एक से काम चला लेंगे भाई। ठीक है 10 बना डाल कॉपर और 150, अभी जितना मरा है भाई एक तो बना सकता है ना। कॉपर और बन रहे है क्या अभी, कॉपर और ही बना रहा हूँ ना गाइस मैं, ये क्या चीज़ है, कॉपर और यहाँ से नहीं खींच सकता क्या ये, कॉपर और शायद खींच नहीं सकता गाइस, रुक जाओ कॉपर और यहाँ पे बनाने के लिए डाल देता हूँ मैं। अरे कॉपर और बनाने के लिए नहीं डालता, कॉपर और डायरेक्टली डाल देता हूँ। कितने बन रहे हैं, ठीक है इतने सारे क्रॉप लोड 27, आई थिंक 27 चीज़ें तो अलग अलग है ही गाइस यहाँ पे। ठीक है चलो अभी यहाँ पे फार्मिंग देखना भाई, अपन एक एक करके करेंगे भाई। ठीक है 1 then 2 then 3 and 4 भाई। ठीक है जगह चाहिए होगी ना 27 लगाने गाइस यहाँ पे टोटल 27, तो अरे थोड़ा सा दूर दूर भी लगा डालूंगा मैं। अगर फाउंडेशन लगाता तो फाउंडेशन के ऊपर जो है ना गाइस डायरेक्टली लग जाता यार, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस, होगा योगा से ही होगा, योगा से ही होगा, टेंशन नहीं लेने का भाई। तो जगह भाई तुरंत ही भर गई गाइज, लगाने तो इतनी ज़्यादा जल्दी भरेगी ये जगह, बट कोई ना चलो भाई जहाँ जहाँ पे जगह मिल रही है वहाँ वहाँ पे क्रॉप लोड लगाए जा रहा हूँ मैं। मेरे को यहाँ पे अलग अलग चीज़ के जो है ना गाइज वो लगाने गाइज, ठीक है बीज लगाने। कितने और क्रॉप लोड है, 3 और क्रॉप लोड है, 1 2 3 भाई। ठीक है चलो आ जाओ, और एक फाइनल वाला आई थिंक ये रहा फाइनल वन, डन। ठीक है एंड क्रॉप लोड तो बन गया ना। हाँ अब मेरे को बता सीड भाई, मेरे को हर एक चीज़ की सीड चाहिए भाई यहाँ पे। मेरे पास सीड है कोई, ये वाली 2 सीड है। ठीक है भाई ये कौन सी वाली सीड है, स्ट्रीम बेरी सीड भाई, रुक जाओ सीड भाई। हाँ ये वाली सीड मेरे पास है, ये वाली बना, एक्सटेंडेड ब्लड भाई नहीं भाई, जो बन रही है वो बना डाल, फाइबर की, फाइबर की सीड बना, जो सीड बन सकती है गाइज वो सीड में तुरंत ही बना डालूंगा। अभी फिलहाल के लिए मेरे को जो ना गाइज ये वाली सीड्स तो नहीं चाहिए शायद ना, या फिर बना लूँ, बन रही है तो भाई बना ही लेता हूँ। क्यू फ्लिंट भाई चाहिए होगा आगे जाके मेरे हिसाब से, ऑयल नहीं है मेरे पास, ये भी नहीं है, इसके लिए भी दुद्धू भाई दुद्धू, क्यू मिल्क, क्यू स्टोन की नहीं क्या स्टोन भाई 10000 चाहिए होगा यार इसके लिए तो। ठीक है ये छोड़ दो, हनी चाहिए मेरे को, हनी की सीड लगा, बियानी भी नहीं मिलेगी भाई, अरे बायोटॉक्सिन नहीं, ये वाली सीड बना पता नहीं कौन सी वाली सीड है, ये वाली सीड बना गाइज। यहाँ पे अलग अलग तरह की जो ना कि सीड, अरे ओ कांदे की भी सीड है गाइज, देखो कांदे की सीड बना लेता हूँ, ये पता नहीं कौन सी वाली सीड है भाई, ये क्या भाई पालक बिलक भाई, लसन बिजन की सीड है भाई यहाँ पे, मिर्ची की भी सीड है गाइज, गाइज फुल टू फार्मर वाली फीलिंग आ रही है भाई, टेबिंग छोड़ के यही चालू करना चाहिए मेरे को लग रहा है गाइज। ये ले बेटा ये भी बना ले, कॉर्न की भी सीड है, कौन चाहिए होगा, क्या चीज़ के लिए, अरे यार ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा अलग अलग चीज़ मांग रहा भाई। हाँ ये वाला भी ले ले, ये वाला भी ले ले, सीड्स पॉइल तो नहीं हो रहे ना, हो तो रही है भाई, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक पॉलीमर ये वाला बना ले, इलेक्ट्रॉनिक की सीड भी है वाह, इसकी सीड उसकी सीड फलाना डिलाना हर एक सीड, रेबीज अबे हेलो बेरी की कुछ सीड थी भाई, हनी चाहिए यार, हनी तो नहीं मिल पाएगा यार अभी, बट जितनी सीड मिली है ना गाइस उससे अपन भाई एक काम कर लेते भाई, सारी सीड अपने इन्वेंट्री में लेते और ये सारी सीड यहाँ पे प्लांट कर लेते सबसे पहले भाई। ठीक है सीड फिर भी को एक एक करके जो ना गाइस मैं यहाँ पे प्लांट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जो ना गाइस सामान उगना भी जो ना गाइस तुरंत ही चालू हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्रिस्टल उगेगा भाई, क्रिस्टल कभी भाई उगते हुए देखा है खेत में भाई, तुम्हारा भाई क्रिस्टल खेत में उगाएगा अभी, रुक जाओ ये वाली नॉर्मल सीड है ना, नॉर्मल सीड होगी तो वो फेंक दे भाई, नॉर्मल सीड डायरेक्टली फेंक देने अपन को, ये वाली सीड लगानी है खाली। ओके सीड SEE एर वी गो मशरूम, ऑर्गेनिक पॉलीमर की सीड भाई, रुक लग रहा है अनलिमिटेड ऑर्गेनिक पॉलीमर तुम्हारे भाई को अभी मिलने वाला है गाइज, और इसके अंदर पानी भी नहीं डालने की भी जरूरत नहीं, तो अपन गाइज खुले में भी लगा सकते हैं इसको सीड भाई। अरे 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 खतरनाक गदरनाक भाई वाली सीड्स है यहाँ पे, लहसुन की सीड भी लगा देता हूँ भाई,
सीड, ये रहा भाई लहसुन की सीड, ये सारी सीड गाइस यहाँ पे लगा देता हूँ मैं भाई, देख देख के लगाऊंगा ताकि मेरे को बाद में पता चले कि कौन कौन सी सीड मैंने लगाई है गाइस। ओके ये भाई पता नहीं पालक बिलक या किस चीज़ की सीड थी। A few moments later. ऑलमोस्ट गाइस सारी की सारी सीड जो है ना गाइस वो लगा के यहाँ पे हो चुकी है। फ्लिंट की सीड क्यों लगाओ मैं भाई, लगा दूँ क्या, लगा देता है चलो फ्लिंट की सीड लगा देता हूँ। ठीक है मैंने कुछ कुछ सीड डाली है वो गाइस सीड लगी ही नहीं गाइस। एक गैस बॉल की भी सीड लगा देता हूँ, यहाँ पे सीडिंग चल रही है क्या, नॉट सीडेड। यहाँ पे मैंने क्या डाला था मेरे को पता नहीं गाइस, कोई तो चीज़ में डालना भूल गया होगा शायद। ठीक है ये ले ले बेटा, क्रॉपलोड और बना लूँ क्या, और क्रॉपलोड चाहिए होंगे थोड़े से भाई, रुक जाओ क्रॉपलोड बनेंगे, दो तीन ही बना ले, एक दो एंड तीन भाई, तीन ही बना लेता हूँ ये तीन से काम बन जाएगा। वो तीन क्रॉपलोड भाई यहाँ पे लगा डालूंगा। ठीक है यहाँ पे उगना भी चालू हो चुका है गाइस मेरे हिसाब से मटेरियल गाइस, मेरे को लग रहा है कि उगना भी चालू हो चुका है, देखते चलो। वेट अ मिनट एयर वी गो, इसकी भी सीड और फाइबर की भी सीड, भाई साहब हर एक चीज़ की सीड लगा के मैंने भाई बहुत ही ज़्यादा फार्मिंग कर ली यहाँ पे, एंड उगना बिगना चालू हो गया क्या, अरे खतरनाक गाइस हर एक चीज़ गाइस यहाँ पे उग रही है, हर एक चीज़ खतरनाक, उल्टू मज्जानी लाइफ भाई, नॉट सीडेड एंड नॉट सीडेड। ओ यहाँ पे मैं सीड डालना भूल गया गाइस, वेट अ मिनट भाई उसकी सीड डाल दे गाइस, रुक जाओ। सीड जो ना गाइस मेरे को खास करके किस किस चीज़ की चाहिए थी, एक तो इस चीज़ की सीड चाहिए, ये दो डाल दें एंड ये पता नहीं क्या है इसकी डाल दे एक भाई, चल तीन जगह तो खाली थी ना गाइस, एक और ले ले भाई, कहीं पे और चाहिए होगा तो लगा डालूंगा। ऑब्सीडियन की भी सीड है, ऑब्सीडियन की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से मेरे को। ठीक है यहाँ पे डाल देता हूँ गाइस ये सारी सीड गाइस। फर्टिलाइज़र तो मेरे पास भर भर के पड़ा हुआ है गाइस, फर्टिलाइज़र मैंने यहीं से ढापा था और इन्हीं के अंदर वापस डाल दूंगा सीड। ओके डन, एंड एक और कुछ बचा हुआ है, हाँ ये वाला एक बचा है ना सीडेड, ये तो सीडेड है भाई, हो गया सब कुछ। ओ यस अभी जो ना गाइस अपन ने जो ना गाइस हर एक चीज़ यहाँ पे बनाने के लिए डाल दी है, और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना गाइस हम यहाँ पे वीट की सीड कहाँ लगा रखी है अपन ने, ये पता नहीं, ये तो भाई एक अच्छा भाई बॉय फ्लिंट विंट उगना चालू भाई, देख रहे हो ये रही गाइस सीड, और सीड भी मिल रही है वीट की भाई, वीट की सीड मेरे को अलग से लगानी चाहिए थी। मैं इसे जो ना गाइस आटा आटा नहीं भाई, पहले हनी हनी बनाने के लिए क्या चाहिए बता, हंडी बनाने के लिए क्या चाहिए बता, शुगर केन रेयर फ्लावर, रेयर फ्लावर बना रूँगा, स्ट्रॉबेरी एंड शुगर के, रुक जाओ शुगर केन वाली सीड मैंने डाल दी क्या, एक मिनट रुक जाओ, शुगर केन के अपन ने सीड डाल दी क्या, ये वाली है क्या शुगर केन सीड, हाँ मैंने डाल दी है गाइस, मैं हंडी बनाने के लिए डाल देता, रुक जाओ ये भाई बेरीज की सीड बेरी ले ले थोड़ी सी यहाँ से, एंड शुगर केन मैंने कहाँ पे डाली मेरे को पता नहीं ना, फर्टिलाइजिंग भाई पता भी नहीं चलता कि इसके अंदर, अच्छा स्पाइकलास चालू करके देखूंगा क्या, ट्राइब ऑफ राहुल दिखाई दे रहा है, अच्छा इसके अंदर कुछ नहीं, नॉट सीडेड है क्या, रुक जाओ सीड डाल देता हूँ, ये ले चल किसी ना किसी तो काम आ ही जाएगा, मशरूम की है भाई, भाई क्रिस्टल 300 उग गए। ओके ये स्ट्रॉबेरी ले ले, स्ट्रॉबेरी ले ले, स्ट्रॉबेरी चाहिए मेरे को भाई, एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर की ज़रूरत तो नहीं है मेरे को, ये सीड भी जो ना गाइस वो वापस से दे रहा है गाइस, एक सीड जो ना गाइस वो वापस से दे रहा है, ये पता नहीं ये कौन सी फ्रूट है भाई, ये भाई ये नहीं चाहिए मेरे को, ये भी नहीं चाहिए, जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा। ओके ठीक है वीट, वीट अभी नहीं चाहिए मेरे को, मेरे को चाहिए था स्ट्रॉबेरी एंड और क्या चाहिए था, स्ट्रॉबेरी तो मिल चुका है लेकिन जो और दूसरा चीज़ चाहिए वो नहीं मिला मेरे को, लहसुन बिजन भी उग गया गाइस। ठीक है क्या चाहिए था यार, क्या शुगर केन, शुगर केन, शुगर केन चाहिए था, आलू ले लो, सल्फर नहीं चाहिए, शुगर केन मेरे को पता नहीं गाइस कहाँ पे लगा रखा है, ऐसे एक एक करके ढूंढना पड़ता है यार, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा टाइम कंज्यूमिंग है, ये है क्या शुगर केन, आई डोंट नो, हाँ भाई ठीक है इससे भाई और एफएमके वाला वो बना डाल, एफएमके वाला भाई रेयर फ्लावर बना डाल, रेयर फ्लावर की सीड बना लेता ना डायरेक्टली काम बन जाता, चलो कोई ना 100 बाय रेयर फ्लावर तो बनी जाएगा बड़े आराम से, इससे जो ना कि अपन बनाने के लिए डाल देंगे हंडी, और ये हंडी जो ना कि हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है भाई। ठीक है एप्पल चप्पल नहीं डालना है भाई, एक मिनट रुक जाओ शुगर केन किधर है, हाँ ये रहा, एंड वीट, वीट की ज़रूरत नहीं है, रेयर रेयर फ्लावर, अरे 4,500 है बस मत बना, बहुत सारा है, इजी पीजी भाई, हन्नी हन्नी गाइस हन्नी बन रहा है ना, एंड ये हन्नी किस लिए चाहिए था मेरे को, मे बी इधर आनी चाहिए था, इधर या फिर वीड चाहिए था, एंड फेरमोंट, एंड फेरमोंट किससे बनता है बताऊँ, एंड फेरमोंट के लिए मेरे को टर्माइक चाहिए,
ये तो मिल जाएगा। और नीचे टर्माइक, ये कहाँ पे भाई? क्यों टर्माइक? रुक जाना टी, रुक जाना। क्यों टर्माइक क्या? जिमस्टोन वाटर भाई, एक मिनट रुक जाऊँ। ये टर्माइक जो ना गाइस, वो क्या है मैं देख लेता हूँ गाइस, ठीक है। क्यू टर्माइट, अरे इधर नहीं, इसके अंदर ना, फिर एंड का ये बना डालेंगे ना अपन। बी हनी टी यू यम टर्मरिक, टी यू यम ई, रुक जाओ, ये चीज़ क्या है मेरे को देखने दो। टी यू यर टी यू, ये वाला है क्या? टी यू यम, टी यू यम, ओके ठीक है। नहीं यार, यहाँ पे होगा टी यू एम, नहीं ये कहाँ पे मिलेगा? आई थिंक वुल्प किड इन के अंदर शायद, इसके अंदर तो मिंट चाहिए भाई। ये तो भाई बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या में फंस गया मैं। टर्मिक भाई कहीं ना कहीं तो बनता होगा गाइस, बट पता नहीं गाइस कहाँ पे बनता है अभी तक हमको, ठीक है। किसी ना किसी चीज़ में जो ना कैसे बनता होगा, बट पता नहीं कहाँ पे। इनके अंदर तो नहीं बन रहा। ये वाला है क्या? ब्रेड है भाई ये तो। इसके अंदर क्या बनता है? इसके अंदर तो भाई फर्टिलाइजर बिटिलाइजर बनता है। ओके गाइज, समझ ना आ रहा है कि कहाँ पे बनता है गाइज। एंड अभी फिलहाल के लिए काम कर लेते हैं गाइज, ठीक है। हमने फार्मिंग वीमिंग तो कर लिए काफ़ी ज़्यादा भाई, ठीक है। यहाँ से रेयर फ्लावर मिल रहे हैं अपन को दबा के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और फार्मिंग वीरमिंग जो ना गाइज, वो भी एकदम दबा के चल रही है। अभी सबसे बड़ा सवाल है कि ये टर्मिक वीरमिंग कहाँ से मिलेगा यार, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या होगी। मैं बाहर देखता आटा किस चीज़ से बनता है भाई, ठीक है। आटा एक बार बन गया ना, तो मैं और भी ज़्यादा खतरनाक वाली चीज़ें बना सकता हूँ, लाइक इनगट बिनगट बना सकता हूँ गाइज। ये काफ़ी ज़्यादा ग्राइंडिंग वाला काम है यार। इतने एपिसोड हो गए अभी तक गाइज, मैं बस ग्राइंड ही करे जा रहा हूँ, उसके अलावा और कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। ये वाला चाहिए आटा, चाहिए आटा। आटे के लिए वीट चाहिए, ट्रम्प चाहिए, ट्रम्प चाहिए ना क्या? टर्निप 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 सीड भाई, रुक जाओ अपना सीड, सीड आ जाएगा क्या? सीड यहाँ पे नहीं आ जाएगा भाई, लिख के ले लेता हूँ। कैसे क्या है? टी यू आर टर्निप भाई, ठीक है। ओके टी यू आर एन आई पी एंड, और ये तो पता चल जाएगा टी यू आर, ठीक है। अबे क्या हुआ भाई, लिख भी नहीं सकता मैं क्या? ओके भाई ग्लिच हो गया गाइज, मैं लिख भी नहीं सकता गाइज, ठीक है भाई। ये चैट वाला ऑप्शन ही बंद हो गया भाई। टी यू आर भाई, मैं देख लेता हूँ कि मैंने ये वाली जो सीढ़ी ना गाइज वो लगा के रखी कि नहीं। अगर लगा रखी होगी ना, तो मैं आटा बना के जो ना गाइज बड़ी सी एक वो बनती है, क्या बोलते हैं कुछ तो भाई माइनिंग की कोई तो चीज़ बनती है, वो देख लूँगा भाई, ठीक है। टी यू आर ये है क्या? हाँ टर्निप, ये सीट लगा रखी है मैंने, आई थिंक ये सीट लगा रखी है क्या? ये सीट लगा रखी है, मैं एक और ले लेता हूँ। बड़े कहाँ पे बनेगा ये मेरे को बताने का, इस मेरे को ढूंढना पड़ेगा। रुक जाओ मैं ढूंढ लेता हूँ इनके अंदर कहाँ पे मैंने रखा है भाई वो सीड लगा के। ये भी ले लेता हूँ गाइज, ठीक है। जो जो चीज़ें गाइज यहाँ पे बनी हुई ना गाइज, वो ले लेता हूँ मैं। मे भी मेरे किसी ना किसी काम जो ना गाइज, वो चीज़ें सारी की सारी आने ही वाली है। वैसे भी क्रिस्टल क्यूब वाला बन गया, अरे नहीं तो नॉर्मल क्रिस्टल है गाइज। ओके इसमें भाई ज़्यादा बेरीज गाइज अभी बनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम दिया नहीं। अभी जस्ट उनके अंदर से मैंने भाई काफ़ी ज़्यादा बेरी उठाई है। ऑर्गेनिक पॉलीमर नहीं चाहिए, जो बेरी मशरूम भी नहीं चाहिए यार, जो बेरी जैसी दिखने वाली चीज़ें ना गाइज वही ले लेता हूँ मैं। ऑलराइट, ओ ये वाली चीज़ उठा ले, सैंडविच की तरह लग रहा है भाई ये कुछ तो। कोका बीन, ओके ठीक है, ये ले भाई। बेल पेपर, ये मशरूम नहीं चाहिए मेरे को भाई। देन ओके ये चाहिए मेरे को। वीड जो है ना गाइज, वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा गाइज मेरे को गाइज, ठीक है। बड़े काफ़ी ज़्यादा स्लोली स्लोली जो है ना गाइज अभी उगने का काम कर रहा है, बट उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे मैं जो है ना गाइज काफ़ी सारा वो क्या बोलते हैं आटा बना पाऊँ एंड उससे अपना काम परचेज हो जाए, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जिस चीज़ की मेरे को खोज है वो चीज़ शायद मेरे को नहीं मिली है। कांदा मिल गया गाइज, कांदे की सीड भी मिल गई। सल्फर, अरे सल्फर लेके क्या करूँगा अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। ये भाई मिंट, ओ मिंट मेरे को चाहिए था किसी तो चीज़ में भाई, और मैंने सीड भी ले लिया गाइज वीड की, एक वीड की गलती से सीड भी ले लिया। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दूसरी वाली सीढ़ी गाइज वहाँ पे बन जाएगी। शुगर केन भाई तीन बन चुका है। ये चाहिए था गाइज, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, जो चाहिए था गाइज वो मिल चुका है गाइज। ओ ये तो वो है गाइज, एक मिनट रुक जाओ, इसे मैं बना सकता हूँ। वो टर्मिट बिरमिट जो था ना गाइज, वो भी मिल गया मेरे को। वेट अ मिनट, इसके अंदर वो बना सकता हूँ, लेकिन पहले मैं आटा बना के वो बड़ा सा एक फैक्ट्री है ना गाइज वो बना लेता हूँ। मे भी उसके अंदर मेरे को कुछ ना कुछ भाई बनाना, मतलब कुछ ना कुछ अनलॉक हो जाए नई चीज़ गाइज, मेरे को पता नहीं है। देख दे चलो इसके अंदर सब कुछ डाल दे भाई। अब यार मैंने आटा आटा लेके आया क्या? आटा मैं ज़्यादा नहीं लेके आया, लेकिन भाई जो भी है सारा इसके अंदर डाल दे, जितना जो कुछ बनना होगा वो बन जाएगा तुरंत ही। आटा कितना? आठ आटा बन गया। वीट कम पड़ रहा है ना? नहीं यार, मैक्सिमम सारी की सारी चीज़ें किसी कम पड़ रही है। ये क्या? अरे ये कैसे बन गया? उससे बन गया क्या? अच्छा आटा आठ बन गया भाई। आठ आटे से भाई कितना वो बनता है देख लेते चलो।
भाई यहाँ पे फार्मिंग भाई भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक वाली चल रही है यार। चलो कोई ना, योगा से योगा गाइस, ये फार्मिंग करके जो ना गाइस काफी ओपी वाली चीजें बना पाएंगे अपन। आ जाओ अभी ये आटा जो मिला है ना गाइस, उससे मैं देख लेता हूँ कि वो इनगर्ड जो है ना गाइस वो बनता है कि नहीं। ठीक है, मेरे को एक इनगर्ड बनाना था, ये वाला इनगर्ड। इसके लिए कोल चाहिए था, एंड कोल के लिए मेरे को चाहिए था पल भी चाहिए यार। आटा तो मिल गया भाई, ये ले, ये आटा ले ले भाई, आठ आटा लेके आया हूँ मैं, आठ आटा लेके आओ। बट पल के लिए भाई मेरे को क्या चाहिए देखने दो भाई, ये काफ़ी ज़्यादा तोड़ गया मैं यार, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, वीड चाहिए, वुड चाहिए, एंड फेरोमोन, ओके ठीक है। एंड वाले के लिए चाहिए क्या बताऊँ, हानी दे दूंगा, वो दे दूंगा, वो भी दे दूंगा। और ठीक है भाई, हानी भी चाहिए ना, हानी यहाँ से ले लेता हूँ, रुक जाओ गाइज। हर एक चीज़ जो है ना गाइज धीरे धीरे करके यहाँ पे बन रही है भाई, धीमे। आटा शाटा निकाल दे भाई यहाँ से, आटे की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी आटा डाल रखा है मैंने भाई। शुगर केन चाहिए गाइज इसके लिए, तो ठीक है फिर भी को। एंड इसके अंदर डालना, इसके अंदर डालना है मेरे को, अन्नी डालना है, और क्या डालना है बताओ, अन्नी डाल दिया बताओ, और ये वाला डाल दिया, उसके बाद बताओ। एंड टर्मेंट 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 ले बेटा, चलो डन डना डन डन, इजी पीजी भाई। इससे अपन बना डालेंगे डायरेक्टली यहाँ पे पल गाइस। ठीक है, पल के लिए मेरे को क्या चाहिए, एंड फिर ये वाला डाल, देन क्यूब वीड डाल दे, एंड देन डाल दे वुड भाई। ये लो डन डना डन डन, ये बन गया पल भाई। तो ये जो सारी चीजें ना, इसे एक एक करके मेरे को बना लेनी है, एंड उसके बाद जाके मैं यहाँ पे वो कोल बना सकता हूँ, उससे आयरन इनगट बनाऊंगा, और उससे भाई तीसरी चौथी चीज इसके अंदर बनेगी भाई। ये कुछ ज्यादा ही ग्राइंडिंग वाला काम है यार, और मेरे हिसाब से ये ना हो पाएगा मेरे से। मैं देखता हूँ अगर इसमें ऐसे भाई दबा के ग्राइंडिंग चलती रही ना, तो मैं कुछ और नई सीरीज जो है गाइस वो बहुत ज्यादा जल्दी यहाँ पे चालू करूंगा। वैसे गाइस अगर इस सीरीज को अच्छा रिस्पॉन्ड आता है तो मैं कंटिन्यू रखूंगा, अगर भाई काफी खराब रिस्पॉन्ड आया तो सीरीज हमको बंद करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हो कि सीरीज चालू रहे, तो फटाफट गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज के एपिसोड में खत्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आर्क सर्वाइवल बोल के आर्क द एंड ऑफ द वर्ल्ड के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस। बट इट्स टू लेट नाउ, आई रिमेंबर यू एंड मी एंड हाउ केयरलेस वी कैन बी, ऑल डे एंड ऑल नाइट वी स्टे अप, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.